हेलो सबको, राधे राधे। आज मैं आपको आलू की कचौड़ी बनाने का इजी तरीका बताती हूँ। इसमें मैंने आटा गूंद लिया, इसमें हल्का सा नमक डाला है। आलू उबाल लिए, आलू उबाल के इसको एक प्लेट में निकाल देते हैं ठंडा होने के लिए। इसमें लाल मिर्च, सूखा धनिया, नमक, गरम मसाला, हरा धनिया और पिसी हुई खटाई डाल के अच्छे से मैश करते हैं। थोड़ा सा जीरा पाउडर भी डाल लिया, हल्का सा जीरा पाउडर डाल दिया। और इसमें हम ज़्यादा सा धनिया डालते हैं और अच्छे से इसको मिला के एक डो तैयार कर लेते हैं। ये हमारा आटा गूंद गया, आलू का डो तैयार हो गया। ये हमने एक लोई ली, उसमें हमने आलू भरे। अच्छे से इसको बंद करके इसको हल्के हाथ से बेलना है, ज़्यादा तेज़ नहीं बेलना है वरना ये आलू सब बाहर निकल जाएंगे। हल्के हाथ से बना के कचौड़ी तैयार करनी है। ये हमारी कचौड़ी बेल के तैयार हो गई है। इसमें हमने डीप फ्राई होने को डाल दिए, हल्के हाथ से ही इसको चलाना है वरना इसमें लग जाएगा। और ये देखिए, और गैस हमें सिम कर देनी है तेज़ गैस पे, ये अच्छी नहीं सिकेगी और कच्ची रह जाएगी। और ये हमारी कचौड़ी फ्राई हो रही है, एक तरफ से हो चुकी है, हम इसको दूसरी तरफ से पलट दे रहे हैं। दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन होने तक ही चलाना। ये हमारी कचौड़ी गोल्डन ब्राउन हो गई है और खाने के लिए एकदम तैयार।